उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चार धाम यात्रा कैसे करनी है। और दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़ी रहिए, क्योंकि मैं दावा करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोती धाम रुकने के लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, हमें कहाँ रुकना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को पैकेज बुक करनी चाहिए या फिर आपको बस से जाना चाहिए या आप अपनी पर्सनल कार भी ले जा सकते हैं। चार धाम की यात्रा करने के दरमियान में हम लोगों को होटल्स कहाँ मिलेंगे और कहाँ आप लोगों को खाने की व्यवस्था प्राप्त होगी, और हम ये भी देखेंगे कि क्या उचित कॉस्ट के अंदर आप लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त होगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको चार धाम यात्रा तक करनी चाहिए जिससे आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। और वीडियो के अंत में हम ये भी देखेंगे कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी चार धाम यात्रा करने के लिए। तो हम सारी बातों को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। भारत में जो चार प्रमुख धाम है दोस्तों, तो वो है गुजरात के द्वारकाधीश, उड़ीसा के जगन्नाथ स्वामी, तमिलनाडु के रामेश्वरम और उत्तराखंड के बद्री। लेकिन उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो आज हम इन्हीं चार धामों की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम हमारी चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी हम वो बात जान लेते हैं कि चार धाम का कपाट तब खुलेगा। दोस्तों, उत्तराखंड में ठंड के समय पर हैवी स्नोफॉल होने के कारण यहाँ का जो टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पर 6-7 महीने का होता है। और इन्हीं 6-7 महीने में आप लोग जा सकते हैं। मई से लेके अक्टूबर नवंबर के आसपास जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, यमुनोत्री धाम का कपाट बंद हो जाता है। तो यही टाइम पीरियड है जब आप लोग चार धाम यात्रा कर सकते हैं। अब हम लोग बात ये करते हैं कि यहाँ का कपाट कब खुलने वाला है। सबसे पहले हमारी यात्रा प्रारंभ होती है यमुनोत्री से, उसके बाद हमें जाना पड़ता है गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद हम चलते हैं बद्रीनाथ। तो जो यमुनोत्री और गंगोत्री का कपाट खुलने का समय है वो है 14 मई। मैं आपको इसी साल का बता रही हूँ, हर साल ये डेट फ्लक्चुएट होती है। और अगर मैं आप लोगों से केदारनाथ के कपाट की बात करूँ तो वो ओपन होता है 17 मई को, और बद्रीनाथ की बात करें तो वो ओपन होता है 18 मई। तो ये तो आपको शौक हो गया होगा कि हमारे चार धाम के कपाट कब खुलने वाले हैं। दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं कि आपको चार धाम यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए, आपको कौन सा साधन चुनना चाहिए और आपका खर्चा कितना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा, यानी कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अगर आपका माध्यम बाई ट्रेन है तो आप हरिद्वार पहुँचिए, अगर आप लोगों का माध्यम बाई फ्लाइट है तो आप लोगों को देहरादून पहुँचना पड़ेगा। दोनों ही प्लेसेस से आपको बसेस इजीली अवेलेबल हो जाएगी, टैक्सी, और अगर आप लोग पैकेज कराना चाहते हैं बस के द्वारा या फिर किसी कार के द्वारा, तो आप लोगों को वो भी दोनों जगह से उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टोटल हमारा कितने दिन का प्लान बनेगा। दोस्तों, अगर मेरे हिसाब से देखें तो आपको यमुनोत्री के लिए 11 दिन लग सकते हैं। अगर आप लोग 11 दिन से कम करते हैं तो आप लोग बहुत थक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रोड डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो आपको एक दिन के अंदर 100, 200 और 250 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरी माने तो आप लोगों को 11 दिन की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप लोग आराम से उत्तराखंड के चार धाम विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग 15 दिन भी खींच सकते हैं। डे नंबर 1, पहले दिन हम लोगों को हरिद्वार पहुँच के बरकोट से बस पकड़नी है। बरकोट वो जगह है जहाँ पर आप लोगों को डे 1 से रात के लिए स्टे करना है। दोस्तों, अगर दूरी की बात करें तो हरिद्वार से जो बरकोट की दूरी है वो 180 किलोमीटर है, और आपको ये डिस्टेंस कवर करने के अंदर आपको 6-7 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, पहले हम पूरा टूर समझ लेते हैं और प्लानिंग अच्छे से कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। बरकोट में आप लोगों को रात में रुकना है, और बरकोट में आपको बहुत सारे होटल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल है, और यहाँ उत्तराखंड में आपको सरकार की तरफ से भी गेस्ट होटल फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है, और आप इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और आपको बरकोट
प्राइवेट होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा आप लोगों का बजट है आप उसी हिसाब से होटल ले सकते हैं। डे टू, दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए, लेकिन पहले हमें बरकोट से जानकी चट्टी जाना पड़ेगा और ये बरकोट से सिर्फ 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हमें जानकी चट्टी पहुंचना पड़ेगा और जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी होगी। पैदल यात्रा तय करते वक्त आपको लगभग 6 से 7 घंटे लग जाएंगे क्योंकि ये 6 किलोमीटर काफी चढ़ाई पर है। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे यमुनोत्री। यमुनोत्री में आप आराम से दर्शन करिए, 1-2 घंटे यमुनोत्री में स्पेंड कीजिए और वापस आप लोग जानकी चट्टी होते हुए आप बरकोट पहुंचिए, यानी दूसरे दिन आप लोगों को शाम हो जाएगी बरकोट आते आते। और उस दिन आप फिर से बरकोट में स्टे कीजिए। जो भी होटल आप लोगों ने ले रखा है उस होटल से आप लोग चेकआउट मत कीजिएगा और उस दिन आप वापस से स्टे कर लीजिए। अगर हम लोग होटल के रेस्ट की बात करें तो दोस्तों लगभग आप लोगों को यहाँ पे होटल 500 से 2000 के बीच में प्रोवाइड हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से सीजन पे आ रहे हैं। अगर हम लोग खाने पीने की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को शाकाहारी भोजन बहुत ही आराम से प्रोवाइड हो जाएगा और आपको थाली सिस्टम 80 से 100 रुपए के बीच के अंदर आप एक दो खाना खा सकते हैं। डे नंबर 3, बरकोट से हम आगे बढ़ेंगे गंगोत्री धाम की तरफ, यानी कि हमारे दूसरे धाम की तरफ जो उत्तराखंड का दूसरा धाम है वो है गंगोत्री। लेकिन आप लोग डायरेक्ट गंगोत्री नहीं पहुंच सकते, सबसे पहले आप लोगों को उत्तरकाशी जाना पड़ेगा। अब उत्तरकाशी में आप लोग स्टे कीजिए क्योंकि मेरी माने तो वहां पर भी दर्शनीय स्थल और पर्यटन स्थल है। बरकोट से जो उत्तरकाशी की दूरी है वो आप लोगों को 90 से 100 किलोमीटर की पड़ेगी, यानी कि हार्डली आप लोग 3 से 4 घंटे के अंदर उत्तरकाशी तक पहुंच सकते हैं। उत्तरकाशी में यहाँ पर भी आप लोग एक होटल ले लीजिए। यहाँ पर भी आप लोगों को होटल 800 रुपए से शुरू होते हुए 1500 से 2000 रुपए तक के होटल पड़ जाएंगे। सेम यही एजेंडा भी यहाँ फॉलो होता है खाने पीने के लिए भी, हार्डली आप 80 से 100 रुपए भोजन के लिए पे करने होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको उत्तरकाशी के अंदर कौन कौन सी जगह घूमने के लिए मिल जाएगी। पहला जो है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी है, आप लोग वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। माइनेरी डैम, आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं और आप लोग वापस उसी दिन रात में स्टे कीजिए उत्तरकाशी के अंदर और आपका तीसरा दिन यहीं पर पूर्ण होता है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे दिन के लिए। डे 4, आप अर्ली मॉर्निंग गाड़ी पकड़कर प्रस्थान कीजिए गंगोत्री की तरफ। उत्तरकाशी से जो गंगोत्री की दूरी है वो आपको 100 किलोमीटर के लगभग पड़ जाएगी और आप गंगोत्री में पहुंचकर गंगोत्री माता का जो मंदिर है वहां दर्शन कीजिए, वहां माथा टेकिए और जो गौरी कुंड है वहां भी आप लोग जरूर जाइए। और अगर आप लोग स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं, सूर्य कुंड भी वहीं पर है तो आप लोग सूर्य कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं गौमुख तो गंगोत्री से जो गौमुख की दूरी है वो आपको लगभग 16 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगी और ये 16 किलोमीटर आप लोगों को पैदल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग गौमुख जाना चाहते हैं यानी कि जहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है उस स्थान पे जाना चाहते हैं जिसको गौमुख कहा जाता है, तो वहाँ जाने के लिए आप लोग अपनी लिस्ट के अंदर एक दिन और ऐड कीजिए क्योंकि 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे और आप लोगों को वापस भी आना है तो उसके लिए आप लोगों को एक दिन ऐड जरूर करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए आप लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए तभी आप लोग गौमुख पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको चौथे दिन गंगोत्री दर्शन करके वापस आना है और उत्तरकाशी में आप लोगों को चौथे दिन की तो 5वें दिन आप लोगों को प्रस्थान करना है उत्तरकाशी सोन प्रयाग की तरफ, यानी कि आपको केदारनाथ की तरफ। दोस्तों हम लोग उत्तरकाशी से सोन प्रयाग जाएंगे क्योंकि फिर सोन प्रयाग में आप लोगों को स्टे करना है। उत्तरकाशी से सोन प्रयाग जाने के लिए आप लोगों को 220 किलोमीटर लगभग की दूरी तय करनी पड़ेगी और 220 किलोमीटर तय करने के वक्त आप लोगों को लगभग 10 से 11 घंटे लग जाएंगे और ये डिस्टेंस आपको बाय रोड कवर करना पड़ेगा जिससे आप लोग काफी थक जाएंगे। तो आप लोगों को सोन प्रयाग पहुँच कर आप सोन प्रयाग में स्टे कीजिए और आपको भोजन की फैसिलिटी भी वहाँ पे जरूर प्रोवाइड हो जाएगी। सोन प्रयाग में आपको इजीली बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये जो रूट है हमारा वो केदारनाथ जाने का रूट है, यहाँ पर आपको होटल्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे स्टे कीजिए, भोजन कीजिए और आराम कीजिए। डे 6, तो 6th डे आप लोगों को उठना है और सोन प्रयाग से प्रस्थान करना है।
देवों के देव महादेव की ट्रैकिंग करने के लिए दिन शुरू होता है। आप लोगों को ट्रैकिंग गोरी कुंड से शुरू करनी है, यानी कि सोनप्रयाग से आपको गोरी कुंड 5 किलोमीटर सुमो या जीप के द्वारा आप लोग पहले पहुंचेंगे गोरी कुंड। गोरी कुंड से आप लोगों की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है और इसी गोरी कुंड से केदारनाथ के मंदिर जाने की तरफ आप लोगों को 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप चाहे तो घोड़ी खच्चर के द्वारा या फिर आप लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा या पिट्ठू के द्वारा भी आप लोग ये ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं जो लास्ट के अंदर आप लोगों को फीस के बारे में बताऊंगी कि आप लोगों का टोटल खर्चा कितना होगा और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, प्रति व्यक्ति आप लोगों का बजट कितना बनने वाला है, तो वो आपको मैं पैदल यात्रा का बताने वाली हूँ। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर लेते हैं, पिट्ठू लेते हैं या फिर घोड़ी या खच्चर लेते हैं तो डेफिनेटली ऑलरेडी आपका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। तो 6वें दिन आप केदारनाथ के लिए ट्रेनिंग ट्रैकिंग प्लान कीजिए और गोरी कुंड से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए और केदारनाथ आप लोग 6वें दिन तक पहुंच जाएंगे शाम होते होते। और उसी दिन आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं महादेव के। और मेरी राय माने तो आपको 7वें दिन भी केदारनाथ ही रुकना चाहिए, क्योंकि वहां पर और भी 2-4 छोटे छोटे पॉइंट है जो कि 3 से 4 किलोमीटर के दायरे पर है। तो चलिए दोस्तों, 7वें दिन भी हम लोगों को आसपास की जगह घूमनी है। दोपहर होते होते हमें वापसी सोनप्रयाग के लिए वापसी लेनी है, यानी कि हमें केदारनाथ से वापस सोनप्रयाग की तरफ प्रस्थान करना है। अगले दिन हम पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में पुनः हमें स्टे करना है। और 8वें दिन आप लोग प्रस्थान कीजिए बद्रीनाथ धाम के लिए। दोस्तों, अगर आपका पैकेज नहीं है और अगर आपके खुद की गाड़ी नहीं है तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ आप लोगों को बहुत सारी टैक्सी और बसेस मिल जाएगी। दोस्तों, जो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ जो दूरी है वो आपकी लगभग 220 किलोमीटर की तरफ पड़ जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर पहुँचते हुए आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट बस लेके जाती है। बद्रीनाथ बस स्टैंड उतरिए और वहीं पे आप लोगों को ढेर सारे प्राइवेट होटल्स, जेएनबीएन के गेस्ट हाउस और आपको धर्मशालाएं देखने को मिल जाएगी, जो कि अगर धर्मशाला की मैं बात करूं तो 100-150 से शुरू होती है। डॉर्मेट्री भी आप लोगों को वहां पर 40-50 रुपए में पर बेड आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप बद्रीनाथ में स्टे कर सकते हैं। खाने पीने की भी आप लोगों को इसी तरह व्यवस्था मिल जाएगी। तो बद्रीनाथ आप लोग पहुंच चुके हैं 8वें दिन में, उस दिन आप लोगों को स्टे करना है बद्रीनाथ में, क्योंकि आप लोग 220 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं बाय रोड, तो आप लोगों को काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। डे नाइन पर आप लोग बद्रीनाथ स्वामी जी दर्शन कीजिए और आप आसपास के जितनी भी जगह है उनको भी विजिट कीजिए। और 10वें दिन आपको प्रारंभ करनी है अपनी रिटर्न जर्नी के लिए आप लोगों को वापस हरिद्वार से ही ट्रेन मिलेगी, या फिर आप लोग जाएंगे देहरादून। अगर आप फ्लाइट से आए हैं तो आपकी फ्लाइट वापस आपको देहरादून से ही पर्याप्त होगी। अगर मेरा सजेशन माने तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बद्रीनाथ से ही डायरेक्ट वापसी ना कीजिए, तो आप बद्रीनाथ से सबसे पहले आइए रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में आप लोगों को एक दिन और स्टे करना चाहिए। वहाँ भी आपको भोजन करने की काफी फैसिलिटीज मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग में स्टे कीजिए और 11वें दिन रुद्रप्रयाग से आप लोग हरिद्वार की तरफ वापसी लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी बातें कि हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं और टोटल 11 दिनों की मैंने आपको एंटायर जर्नी बता दी है। तो दोस्तों, अगली बात हम करते हैं कि हम लोगों को चारधाम यात्रा करने के लिए सबसे उचित और सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने बात की कि मई के महीने में इसका कपाट खुल जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास ये चलते हैं, लेकिन मई और जून इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा रश होता है, क्योंकि इंडिविजुअली देखा जाए तो केदारनाथ के यात्री बहुत ही ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ आपके चारधाम के यात्री भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिससे भीड़ तो आपको मिलती ही है, प्लस आपके होटल के कॉस्ट और खाने के कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप लोगों को सितंबर से अक्टूबर के महीने के अंदर चारधाम यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में ना तो आपकी बारिश होती है, ना ही आपकी भीड़ होती है, और साथ ही साथ आपका फेयर भी कम हो जाता है और होटल की और खाने की कॉस्ट आपको दोनों ही कम देखने को मिलेगी। और रही बात की अगर आप लोग मानसून के अंदर यात्रा करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मानसून के महीने में यहाँ पर लैंडस्लाइड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और बारिश के अंदर आप लोगों का पूरी यात्रा का मजा खतरा हो जाएगा। तो मेरी सजेशन माने तो आप लोगों को सितंबर से अक्टूबर के महीने के अंदर ही चारधाम यात्रा करनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा साधन क्या होगा, क्या कॉस्ट लगेगा,
बस का, टैक्सी का, और अगर हम खुद की गाड़ी में जाएंगे उसका। दोस्तों अगर आप लोग हरिद्वार से पैकेज बुक करना चाहते हैं, यानी कि बस के पैकेज आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, ढेर सारे आप लोगों को वहाँ पे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को 10 से 11 दिन का ट्रिप बना के बताएंगे। और इस पैकेज में वो लोग शामिल करते हैं आप लोगों की खाने पीने की व्यवस्था प्लस आपके होटल का खर्चा। तो अगर आप लोग पैकेज करवाते हैं तो ये सुविधाएं आपको उसमें इंक्लूड रहेगी। और इसकी जो कॉस्ट होती है, तो अगर बस वाले की बात करें, एक व्यक्ति का जो किराया है वो आपका 20,000 से 35,000 प्रति व्यक्ति रहता है। और ये जो आपका खर्चा है वो डिपेंड करता है कि आप बस कौन सी ले रहे हैं। अगर आप एसी बस करेंगे तो डेफिनेटली आपका 35,000 रुपए जाना ही है, और अगर आप नॉन एसी बस करते हैं तो फिर आपका 20,000 में भी काम हो जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप लोगों की बस कैसे होने वाली है। हालांकि आपको मेरी माने तो एसी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो घाट सेक्शन पे ही आपको चलना है, पूरे पर्वत है, पूरे उत्तराखंड में गर्मी ज्यादा भी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टैक्सी की। टैक्सी का कोर्स देखिए तो दोस्तों वो आपको 30,000 से 40,000 के लगभग पड़ जाता है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ 11 दिन के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बता रही हूँ कि आप 4 मेंबर या फिर 5 मेंबर रहेंगे तो गाड़ी वाला आपसे 30,000 या 40,000 अपनी गाड़ी भाड़ा लेगा। इसमें आपका किसी भी होटल का खर्चा या खाने का खर्चा इंक्लूड नहीं होते हैं। और अगर रही बात आप अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। रूट आप लोग गूगल मैप की हेल्प से ले सकते हैं और इससे आपका खर्चा बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास पर्सनल गाड़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को चारधाम यात्रा का संपूर्ण वर्णन मिल गया होगा। अगर आपको इस वीडियो के बावजूद भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको पहले मिल जाए।